फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी ऑफ ट्रिप टेल्स। आज हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल जो कि ऑफ बीट प्लेस है, बहुत पॉपुलर नहीं है, रायपुर जगदलपुर हाईवे पर है और अपनी कार लेके निकल रहे हैं हम कोविड के टाइम पे, थोड़ा सा सेफ्टी लेते हुए। तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं एक नई जगह। रायपुर से धमतरी की रोड कुछ ख़राब थी, लेकिन धमतरी से कांकेर की सड़क बहुत ही अच्छी है। पहाड़ों को काटकर बनाई गई है, इस पर बहुत खूबसूरत है। रोड की दोनों ओर आपको अच्छे धान की खेती दिखाई देगी, हरियाली दिखाई देगी, हिल्स दिखाई देंगे, जंगल हैं, तो ओवरऑल सीनरी बहुत ब्यूटीफुल है। ये माकड़ी होटल या पंजाबी होटल है, बहुत ही फेमस ढाबा है रायपुर जगदलपुर हाईवे पे और ये अपनी खीर और चाय के लिए बहुत फेमस है। माकड़ी से कांकेर की रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए अभी तो आपको वहाँ पे काफ़ी गड्ढे दिखेंगे, डस्ट क्लाउड मिलेंगे और ये पैच आपको ज़रूर थका सकता है। कांकेर को सीताफल का गढ़ कहा जाता है। अगर आप सीताफल के सीज़न में यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो ख़रीदना ना भूलें, रोड के दोनों ओर आपको मिलेगा और पूरी की पूरी बकेट आपको केवल 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। केशकाल घाट पहुंचने से पहले एक पैच आपको ऐसा मिलेगा जिसमें बादल आपको ज़मीन पर फील होंगे, ये आपको बस्तर के आकाशनगर की याद ज़रूर दिलाएगा। कुछ ही देर बाद हम केशकाल की घाट में पहुंच गए। ये घाट में कुल 12 मोड़ हैं और यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी हम रुके हैं केशकाल की घाट में व्यू पॉइंट देखने जाने के लिए, तो आइए आपको दिखाते हैं व्यू पॉइंट। जंगल में रोड ट्रिप के अपने अलग ही मज़े होते हैं। कुछ देर आगे हमको पूरी बंदरों की एक टोली दिखाई दी जो हाईवे में रोड के दोनों ओर खड़े हुए थे खाने के इंतज़ार में। हम भी उनके मज़े लेने लग गए खाना देते हुए। गूगल ने हमें दो रास्ते दिखाए, हमने पहला रास्ता चूज़ किया जो केशकाल कोर्ट से राइट टर्न लेकर के था। ये रास्ता लेकिन बिल्कुल गलत था, ये जंगलों के बीच में ही कहीं जा कर के ख़त्म हो जाता है। भले ही रास्ता गलत था लेकिन यहाँ का व्यू अब तक का सबसे प्लीजेंट व्यू था। हम कुछ आगे गए, जंगलों के बीच में भटकते रहे और इस चक्कर में गाड़ी में थोड़ा डैमेज भी हो गया था, लेकिन फिर हम वापस रोड पर आए और एक सही रास्ता जो गूगल ने दूसरा दिखाया वो पकड़ा। मैप में दिखाए अनुसार आप सही रास्ता पकड़ सकते हैं और अगर ये मैप नहीं समझ आ रहा है तो आपको रोड के राइट साइड में एक बड़ा सा एंट्रेंस गेट दिखेगा कुएं मारी के लिए, आप प्लीज़ वहाँ से टर्न लीजिए। कच्चे सड़क में 25 किलोमीटर ऐसा लग रहा था जैसे बस ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा और हम कब कुएं मारी पहुंचेंगे। जैसे ही कुएं मारी गांव आने वाला था उसके पहले ही बादल एकदम साफ और चमकीले हो चुके थे
और गांव वालों ने अपना कुछ लोकल टोल भी बना लिया है, टिकट लेने लग गए हैं। ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अब हम कुयेमारी पहुंच चुके हैं, और क्योंकि कुछ ही टाइम पहले ये जगह एक्सप्लोर हुई बट स्टिल बहुत भीड़ हो चुकी है यहाँ। पार्किंग के बाद आपको कुछ देर पैदल चल करके फॉल तक जाना होगा, यहाँ उम्मीद से ज़्यादा ही भीड़ हो चुकी थी। फाइनली वो व्यू आ ही गया जिसके लिए हमने इतनी लंबी जर्नी की। इस फॉल को कोडाकाल फॉल के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये कुयेमारी गांव में है इसलिए कुयेमारी फॉल के नाम से फेमस हो गया है। नीचे उतरने के लिए एक रास्ता तो बना दिया गया है बट काफ़ी स्लिपरी और रिस्की है, अगर थोड़ी सी भी नज़र हटेगी तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। जर्नी की सारी थकान एक पल में ही कहीं गायब हो गई। जस्ट ब्रीथ, पीस एंड रिलैक्स। फॉल के चारों तरफ केवल हरे घने जंगल थे। इस फॉल के आसपास और भी कई फॉल हैं और एक गोबरहीन का एंशियंट टेंपल भी है, पर क्योंकि हमें शाम हो चुकी थी और हमें रायपुर वापस लौटना था इसलिए हमने अपनी जर्नी को यहीं समाप्त किया। को भी ऐसी कोई ट्रिप करनी है और आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।